आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त समीर हिंद की पुकार से। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंटरव्यू की जो 12 मार्च 2018 को हुआ और जिस चैनल के साथ हुआ, एक्चुअली वो चैनल यूट्यूब चैनल है जिसको हम बोलते हैं द वायर। द वायर जो आपने देखा होगा, आप सभी लोग उसको फॉलो भी करते हैं, काफ़ी अच्छे पैमाने पे चैनल चल रहा है। और उसी के चलते एक जो श्री श्री रविशंकर जी ने टिप्पणी मारी थी बाबरी मस्जिद को लेकर, कि हो सकता है अगर से फैसला बाबरी मस्जिद के हक़ में आए तो इंडिया कैन बिकम अ सीरिया, नेक्स्ट सीरिया, उन्होंने बोला था। उसी के चलते वायर वालों ने एक न्यूज़ फाइल की और जर्नलिस्ट जो हैं उनका नाम है अरफा खानम शेरवानी, उन्होंने कुछ न्यूज़ बोली थी। और श्री श्री रविशंकर जी के जो ऑफिस है वहाँ पर उन्हें लगा कि न्यूज़ जो वो लोग बोल रहे हैं वो रिलेवेंट नहीं है, तो उन्होंने उनकी ऑफिस कॉल किया और कॉल करके बोला कि हम इस न्यूज़ पे आपसे बात करना चाह रहे हैं और आप हमारे संस्था आए और आके हमसे इंटरव्यू करें। तो अरफा खानम शेरवानी गई और श्री रविशंकर जी से मिली और वहाँ पर बात हुई। और अगर ये बात के चलते अरफा खानम शेरवानी ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रविशंकर जी से पूछे हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस, कि आपको क्या लगता है बाबरी मस्जिद के केस में, इशू में, कि फैसला मस्जिद के हक़ में आएगा या मंदिर के हक़ में आएगा, तो उन्होंने काफ़ी डिप्लोमैटिक तरीके से और बहुत अच्छे सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि अगर फैसला यहाँ मंदिर के हक़ में आए या फैसला मस्जिद के हक़ में आए, हम नहीं चाहते कि दोनों दल में कुछ नाइत्तेफाक़ी हो, ताकि दोनों दल एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और कोई ऐसी दिली मतभाव ना रहें। और उसी के चलते जब अरफा शेरवानी ने एक नाम लिया जो नाम है सवालकर, जैसे ही ये नाम आया श्री श्री रविशंकर जी ने माइक अपना निकाल दिया और उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही बदतमीज़ी से अरफा शेरवानी को आकर उन्हें टच कर कैमरा ऑफ कर उन्हें बताया गया कि आप ये इंटरव्यू यहाँ का रोक दें, क्योंकि श्री रविशंकर जी कंफर्टेबल नहीं हैं इस चीज़ पे जवाब देने के लिए। जब श्री रविशंकर जी से बोला गया कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इस विषय को लेकर, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल भी सहायता नहीं ली जा रही है, ना ही बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया जा रहा है, ये सिर्फ नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स बैठकर मस्जिद और मंदिर के इशू पे बात कर रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम बात कहें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानना ज़रूरी है। उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया, जो उन्होंने पहले बताया था उस स्टेटमेंट को उन्होंने चेंज किया इंडिया टीवी में, और फिर इंडिया टीवी के चलते वो सडन द वायर के इंटरव्यू में यही बात बताए हैं, सेम स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी रखा कि हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते और हम कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत नहीं करते जहां पर हमें लगे कि हम कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि हम कोई गैर कानूनी काम करते नहीं हैं, जबकि शायद रविशंकर जी भूल गए हैं कि उनके काफ़ी कुछ केसेस में वो कोर्ट जाना भी ज़रूरी नहीं समझे। बहरहाल, अगर हम इसके हट के बात करते हैं, तो जब ये इंटरव्यू के बारे में द वायर यूट्यूब चैनल के एडिटर जो हैं मिस्टर सिद्धार्थ वरदराजन, उनसे जब बात की गई, अरफा खानम शेरवानी ने उनसे बात की और उनसे बात करते पूछा कि क्या जो रविशंकर जी का स्टेटमेंट है इस बात को लेकर, ये आपको रिलेवेंट लगता है, जो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों दल के मेल झोल की बात कर रहे हैं, ना इत्तेफाकी ना हो और ना ही कोई ऐसा सीरिया बने, और काफ़ी डिप्लोमेटिक जवाब। और जिस तरीके से उन्होंने अरफा शेरवानी के साथ उनके भक्तों ने बिहेव किया, जिस तरीके से उनको रोका गया, जिस तरीके से उनको क्वेश्चन पूछने से मना किया गया और कैमरा ऑफ किया गया, ये रिलेवेंट है। तो उन्होंने कहा कि एज ए हिंदू मुझे नहीं लगता कि ये रिलेवेंट है, तो ये उनका फीडबैक था। और उन्होंने कहा कि जितना रविशंकर जी ने बताया है इस बारे में कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी उन्होंने जवाब दिए, वो जवाब काफ़ी एक तरफा हैं और शायद वो जवाब ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही स्टेटमेंट यूज़ किया जो इंडिया टीवी में उन्होंने स्टेटमेंट यूज़ किया था। बहरहाल, अगर हम इसके हटके चल के बात करें,
कि ये जो मीडिया लगता है कि मीडिया ने ये किया, मीडिया ने वो किया, और काफ़ी सारे बवाल मच रहे हैं, काफ़ी सारी डिबेट्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक डिबेट हुई थी संबित पात्रा और असदुद्दीन अवैसी के बीच, और वहाँ पर उस डिबेट में संबित पात्रा एज ए बीजेपी स्पोक पर्सन, उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत ही विशेष और ख़ुसूस तौर पे सोचना चाहिए कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज वो लेकर डिबेट में आते हैं, या जिस तरीके का व्यवहार वो डिबेट में करते हैं, बिहेवियर, जिस तरीके से वो अपने बातों को, अपने जवाब और अपने अल्फाज को बयान रखते हैं आगे वाले, या चाहे वो एंकर के सामने हो या डिबेट के अपोजिशन के सामने हो, उन्हें बिल्कुल भी ये हक नहीं बनता है कि वो एक मजाकिया तौर पे डिबेट करें। जब आप इतने सुलझे हुए एक पार्टी के, रूलिंग पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, और जहां आपके सामने काफ़ी तजुर्बेकार एक लीडर है असदुद्दीन अवैसी, और एक और आपके एक और लीडर ठहरे हैं जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, जब ये दो आपके साथ हैं, आप थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धैर्य से बात करें, और जो आप अपनी बात करना चाह रहे हैं, आपने हमेशा आपका जो डिबेट चला है उस डिबेट में आपने बार 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 बात रखी है कि मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर। अगर आप सच में, हम बताएं, चाहे वो बीजेपी के लोग रहें, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहें, चाहे वो AIMIM के लोग रहें, अगर आम आदमी से पूछा जाए कि इस मंदिर और मस्जिद के इशू को चलते आप लोग क्या चाहते हो कि मंदिर बने या मस्जिद बने, जिसमें से अगर हम बात करें 100 लोगों की, 100 लोगों में से 70-75 लोग आपको बोलेंगे कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि न मंदिर बने न मस्जिद बने। सीधा सीधा आप वहाँ पर एक बच्चों के लिए पार्क बना दें, या कोई गवर्नमेंट की ऐसी कोई चीज़ बना दें, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऐसी चीज़ बना दें जहाँ पर दोनों दल के लोग आकर पढ़ाई करें, या दोनों दल के लोग आकर अपनी जैसे इवनिंग पार्क हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर किसी दल को, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे या ईसाई रहे, बिकॉज ये इंडिया में हर धर्म को उतना ही हक है जितना आप बता रहे हैं कि हिंदू हिंदू का है या फिर हिंदुत्व का है। तो ऐसे आप डिवाइड मत करिए, डिवाइड करने का टाइम गया है, अभी उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे। इस वीडियो पे अगर आपको हमारी कही गई बातें कुछ लगता है कि हमने रिलेवेंट बात की है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स रखें, आप इस वीडियो को लाइक करें, और इसे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से अपने शेयर करें, और प्लीज़ आप अपना सुझाव हमें दें ताकि हम और भी अच्छे तरीके से आपके सामने न्यूज़ रख पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।